सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? नए साल की पहली वीडियो है तो क्यों ना कुछ नया सीखा जाए, है ना? तो आज की इस वीडियो में हम 2x2 की क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये आपके लिए बच्चों का खेल होगा। जानना चाहते हैं कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड। So, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है तो 2x2 की क्यूब आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और उसका रीजन है कि इसको सॉल्व करने में 3x3 के आधे से भी कम स्टेप्स लगते हैं। एविडेंट है क्योंकि 3x3 में 3 लेयर्स होती हैं, 2x2 में सिर्फ 2 लेयर्स हैं। इसमें नंबर ऑफ क्यूबीज भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें सेंटर पीस भी होता है, एज पीस भी होता है, कॉर्नर पीस भी होते हैं, जबकि 2x2 में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पीस होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको फटाफट से स्क्रैम्बल करती हूँ और सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कि इसमें हम कौन सा स्टेप कम लगा रहे हैं। ठीक है, सो 2x2 के क्यूब में हम दोनों लेयर को एक एक करके सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम एक कलर चूज करें और उसको अपनी टॉप लेयर में रखें। सो मैं फिलहाल व्हाइट कलर चूज करूंगी एंड अब इसको टॉप लेयर में रख के नेक्स्ट मेरे को ये तीनों कॉर्नर पीसेज में व्हाइट कलर ऊपर लाके और साइड के कलर्स भी मैच करने हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉर्नर पीस है ऑरेंज ब्लू एंड व्हाइट कलर का। तो अब मैं नेक्स्ट कॉर्नर पीस या तो व्हाइट ऑरेंज का देखूंगी या फिर व्हाइट ब्लू का देखूंगी, जो इन दोनों में से किसी एक जगह फिक्स कर सकूँ। ठीक है, तो अब ये व्हाइट ब्लू एंड रेड कलर का है तो मैं इसको पहले जहाँ पे मेरे को ये कॉर्नर पीस चाहिए उसके नीचे लेके जाऊंगी। नेक्स्ट चीज़ होती है कि व्हाइट कलर जो कॉर्नर पीस का होता है वो या तो आपके फ्रंट में होता है या फिर राइट में होता है या फिर बॉटम में होता है। तो अगर व्हाइट कलर आपके फ्रंट में है तो आपको बॉटम लेयर को एंटी क्लॉक वाइज घुमाना होता है, सो दैट आपको जहाँ पे वो कॉर्नर पीस चाहिए उसको आप नीचे लेके आए, वो कॉर्नर पीस जो आपने घुमा के अलग हटाया उसको वापस लेके आए और इसको ऊपर कर दें। तो इस तरह से ये दोनों क्यूबीज अपनी सही जगह लग जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा कॉर्नर पीस ढूंढते हैं जो कि है ये व्हाइट ऑरेंज एंड ग्रीन, और ऑरेंज कलर यहाँ पे है तो ये कॉर्नर पीस ऑब्वियसली यहीं पे ही आएगा। और इस बारी व्हाइट कलर हमारा राइट हैंड साइड में आया है। ठीक है, जब राइट में आता है तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जहाँ पे चाहिए होता है उस लेयर को नीचे लेके आते हैं और फिर कॉर्नर पीस को वापस ला के और ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे तीनों पीसेस कनेक्ट हो गए। और लास्ट कॉर्नर पीस हमारा ये रहा जो कि फिर राइट हैंड साइड में आया है, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेयर नीचे लेके जाएंगे, कॉर्नर पीस वापस लाएंगे और ऊपर कर देंगे। अब इसी में मेरे को आपको तीसरी सिचुएशन बतानी थी जिसमें व्हाइट कलर अगर नीचे आए तो इसको ऊपर कैसे लेके आते हैं। उसके लिए यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि आपका व्हाइट कलर या तो राइट में आए या फ्रंट में आए। तो उसके लिए आप या तो इस लेयर को ऐसे घुमाएं तो व्हाइट कलर आपका साइड में आ जाएगा, पर साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो बन रहा है वो ना बिगड़े। तो उसके लिए जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे और ये व्हाइट कलर साइड में आ रहा है तो आप इस पर्टिकुलर पीस को यहाँ से हटा दें, सो दैट जब आप इसको वापस ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा और व्हाइट कलर आपका इधर साइड में आ जाएगा। और अब फिर इसको राइट हैंड साइड घुमा के क्लॉक वाइज लेयर नीचे ला के इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर बन के तैयार। ठीक है, और अब सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमें सेकेंड लेयर फेस करनी होगी। यहाँ पे मैं रूबिक्स क्यूब लेके आऊंगी बिकॉज इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका एंड एल्गोरिदम्स एकदम सेम है। ठीक है, तो अब ये जो क्रॉस बना हुआ है येलो का ही हमें इग्नोर करना है क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बनाना। पर अब सिचुएशन अगर आप कॉर्नर पीसेस की देखें तो दोनों की सेम है कि चारों कॉर्नर में कोई भी येलो ऊपर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन रूबिक क्यूब में होती है तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा कॉर्नर पीस देखते हैं जिसका येलो कलर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की लेयर में लेफ्ट में रख सकें और फिर ये एल्गोरिदम लगाते हैं जो भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। और अब हम इसमें भी यही करेंगे कि कॉर्नर पीस में येलो कलर अपनी लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट लेयर में टॉप में रखेंगे एंड एल्गोरिदम लगाएंगे RUR'UR U2R'। तो इससे क्या हुआ, हम दूसरी सिचुएशन पे पहुंच गए जिसमें एक येलो पीस ऊपर है, मतलब येलो कलर ऊपर है और तीन में नहीं है, जो कि रूबिक्स क्यूब में भी होता है। तो जब रूबिक्स क्यूब में एक येलो कलर ऊपर होता है और तीन में नहीं होता तब हम जिसमें होता है उसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में रखते हैं और सेम एल्गोरिदम को रिपीट करते हैं तब तक जब तक हमारा पूरा लेयर ऊपर येलो नहीं हो जाता है ना। और तीसरी सिचुएशन हो जाती है जिसमें दो कॉर्नर्स में ऊपर येलो कलर आता है और दो में नहीं आता। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी आ सकती है कि दो में आए, किन्हीं दो में भी येलो कलर आए और दो में नहीं आए। उस केस में हम एक कॉर्नर पीस ढूंढते हैं जिसका येलो अपने फ्रंट में रख सकें लेफ्ट हैंड साइड के लेयर में टॉप में और फिर हम यही एल्गोरिदम रिपीट करते हैं RUR'UR'UR'। ठीक है, फिर से कॉर्नर में आ गया RUR'UR'UR'। कीप रिपीटिंग RUR'UR'UR'। दैट्स इट। तो इस तरह से हमारी पूरी ऊपर येलो लेयर हो जाती है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो इन कॉर्नर्स को उनकी सही जगह लगाना है. तो मतलब ये दो कॉर्नर्स तो अपनी सही जगह लगे हुए हैं, अगर आप इसको घुमा के ले जाएंगे तो ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, एंड ये दोनों अपनी सही जगह लगे हुए हैं, पर ये दो अभी भी अपनी सही जगह पे नहीं है. तो इनको फिक्स करने के लिए हम वही करते हैं जो 3x3 क्यूब में करते हैं. इसमें भी हमारा जो थर्ड स्टेप होता है थर्ड लेयर को सॉल्व करने का, उसमें हम कॉर्नर्स को उनकी सही जगह लगाते हैं. तो अगर कोई भी कॉर्नर अपनी सही जगह नहीं लगा होता है तो हम इसको किसी भी तरफ से होल्ड कर लेते हैं, पर अगर कोई भी कॉर्नर सही जगह लगे होते हैं तो उस पेयर को अपन बैक लेयर में रख के और फिर एल्गोरिदम लगाते हैं. वही चीज़ हम इसमें करेंगे, ये जो दो कॉर्नर सेल्फ आई मीन सॉल्व हैं उनको बैक लेयर में रखेंगे एंड फिर ये एल्गोरिदम लगाएंगे आर डैश एफ आर डैश बी टू आर एफ डैश आर डैश बी टू आर टू. तो इस तरह से ये सारे कॉर्नर्स अपनी अपनी सही जगह पहुंच गए. आप इनको घुमा के एक बार देख सकते हैं कि सारे अपने कलर से मैच कर रहे हैं और बहुत सिंपली हमारी 2x2 की क्यूब सॉल्व हो गई, क्योंकि इसमें हमें रूबिक्स क्यूब वाला चौथा स्टेप नहीं लगाना, क्योंकि उसमें हमें एजेस उनकी सही जगह लगाना होता है ना. सो दैट्स इट. कितना इजी था ना इस छोटू को सॉल्व करना. और अगर इजी था तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब लोगों को बताइए कि कितना इजी है इसको सॉल्व करना. ठीक है, सी या.